बच्चों, आपका नया टॉपिक है इसमें एलिमेंट्री ऑपरेशंस। एक्चुअली एलिमेंट्री ऑपरेशंस से हमें मैट्रिक्स के इनवर्स निकालने होंगे। तो अभी हम एलिमेंट्री ऑपरेशन की बात करेंगे। क्या होते हैं एलिमेंट्री ऑपरेशन, पहले आप थोड़ा सा इसके बारे में जानो। जैसे ये कोई मैट्रिक्स है, सपोज मान लीजिए मैं 3x3 का कोई मैट्रिक्स लेता हूँ, ए बी सी पी क्यू आर एल एम एन। तो ये ऐसे जो हॉरिजेंटल हैं सब, इन्हें क्या कहते हैं आप, रोज। तो ये फर्स्ट रो है मतलब R1, ये सेकंड रो मतलब R2, और ये थर्ड रो मतलब R3। और ये कॉलम है बच्चों जो वर्टिकल है। तो वर्टिकल में ये कॉलम नंबर 1, ये कॉलम नंबर 2 और ये कॉलम नंबर 3। एलिमेंट्री ऑपरेशंस कौन से होते हैं बच्चों? देखो, एक एलिमेंट्री ऑपरेशन होता है कि मैं किन्हीं भी दो रो को आपस में इंटरचेंज कर सकता हूँ। Ri कैन बी इंटरचेंज विद Rj। ये जो साइन है किसके लिए, इंटरचेंज के लिए यूज करते हैं। ऐसे ही मैं किसी कॉलम के लिए कह सकता हूँ कि एनी कॉलम कैन बी इंटरचेंज विद अदर कॉलम Cj। सेकेंड, एनी रो कैन बी चेंज बाई Kri। के इज एनी स्केलर, जैसे K2 भी हो सकता है, K3 भी हो सकता है, K1/2 हो सकता है। तो Ri कैन बी चेंज बाई Kri, जैसे मैंने कहा R1 चेंज बाई ½ R1 एटसेट्रा। ऐसे ही मैं कॉलम के लिए भी कह सकता हूँ Ci कैन बी चेंज बाई KCi। और थर्ड ऑपरेशन है बच्चों कि ए रो कैन बी चेंज बाई Ri प्लस कोई स्केलर आप ले सकते हैं K विद अनदर रो Rj। यही सेम कॉलम के साथ Ci कैन बी चेंज बाई Ci प्लस KCj। ये ध्यान रखेंगे, मान लो मैं Ri में कोई चेंज करना चाहता हूँ तो Ri प्लस करूंगा। तो यहां दिखाऊंगा मैं Ri चेंज बाई Ri प्लस KRj। जैसे R1, फॉर एग्जाम्पल R1 चेंजेज बाई R1 प्लस 2R2, या कोई और अदर ऑपरेशन हो सकता है। तो ये तीन ऑपरेशन आपके एलिमेंट्री ऑपरेशन है। इसमें इनसे ये आपको इनवर्स मैट्रिक्स के पूछेंगे। अभी पहले इन्वर्टिबल मैट्रिक्स के डेफिनेशन देखो। इन्वर्टिबल मैट्रिसेस, अब इनवर्स की डेफिनेशन आप जानते हैं, जैसे पुरानी आपने पढ़ी बिल्कुल वैसे ही करेंगे। इफ ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स देन इफ देयर एग्जिस्ट अनदर मैट्रिक्स बी ऑफ सेम ऑर्डर। सेम ऑर्डर मतलब जितना ए का ऑर्डर था, सच दैट, ये मैट्रिक्स ऐसा होगा कि ए इंटू बी करो या बी इंटू ए करो, क्या आएगा, आई, मतलब यूनिट मैट्रिक्स। तो एक दूसरे के इनवर्स हो जाएंगे फिर ए और बी। अगर ऐसा होता है तो आप कह सकते हैं ए इक्वल टू बी इनवर्स और बी इक्वल टू ए इनवर्स, ऐसे बोल सकते हैं। तो कोई मैट्रिक्स ए है हमारे पास, उसका बी कोई इनवर्स होगा अगर इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या हो, आइडेंटिटी, यानी यूनिट मैट्रिक्स। अब आपसे इसमें पूछेगा इनवर्स। इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स बाई एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन कहो या एलिमेंट्री ऑपरेशंस।
अब आपने एलिमेंट्री ऑपरेशन ऊपर देख लिए, ये तीन ऑपरेशन एलिमेंट्री हैं। आपने ये यूज करते हुए इनवर्स बताना है। या तो आप बच्चों रो वाले पूरे ऑपरेशन यूज करेंगे या कॉलम वाले पूरे यूज करेंगे। अगर वो कहता है यहाँ पे एलिमेंट्री रो ऑपरेशन तो हम रो वाले ही लगाते, अगर कहता है एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन तो हम सारे कॉलम वाले लगाते, और अगर कहता है एलिमेंट्री ऑपरेशंस तो दोनों में से कोई से भी लगा सकते हैं, पर इन्हें मिक्स नहीं करेंगे। रो को कॉलम वालों के साथ मिक्स नहीं करेंगे, या तो सारे ऑपरेशन रो वाले लगाएंगे या सारे कॉलम वाले लगाएंगे। अभी मैं इसमें क्वेश्चन आपको करके दिखाऊंगा एलिमेंट्री रो ऑपरेशन वाला, कॉलम वाला भी सेम मैनर में ही होगा। जैसे मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन दिया जाए, सपोज आपको क्वेश्चन दे दिया मैंने, ये आपकी बुक में एग्जाम्पल भी है, क्या है ओबटेन इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स ए, ए इज 0 1 2 1 2 3 एंड 3 1 1 बाई एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। तो एलिमेंट्री ऑपरेशन आपने यूज करने हैं और इसका इनवर्स बताना है। तो जरा देखना, बहुत ध्यान से देखेंगे, अक्सर ये क्वेश्चन 6 मार्क्स में आता है, तो थोड़ा टाइम भी लगेगा, आप थोड़ा ध्यान से इसे देखना बच्चों। आपने इसका इनवर्स बताना है, तो ए ए इनवर्स हम जानते हैं क्या होता है, आई। तो मैं यहां से कह सकता हूं ए इक्वल टू आई ए, तो आई क्या है बच्चों, यूनिट मैट्रिक्स है। तो मैं इसे ऐसे लिखूंगा, ए 0 1 2 1 2 3 3 1 1 आई मीन्स यूनिट मैट्रिक्स, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, और ये ए ऐसे ही चलता रहेगा। तो बच्चों ऐसे ए इक्वल टू आई ए हम लिख लेंगे और उसके बाद शुरू करेंगे। मैं आपको समझाता हूं कैसे करना है। इस मैट्रिक्स को एलिमेंट्री ऑपरेशन जो आपके तीन मैंने आपको बताए वो यूज करते हुए इस मैट्रिक्स को ये बनाना है यूनिट मैट्रिक्स, इससे चेंज कर देना है एक यूनिट मैट्रिक्स में, और जो ऑपरेशन यहां लगाएंगे वो इसमें साथ साथ लगाएंगे। जब ये यूनिट मैट्रिक्स बन जाएगा तब ये उसका इनवर्स हो जाएगा, ए इनवर्स ए क्या हो जाएगा, आई। तो ध्यान से देखो जरा, ये मुझे इसे बनाना बच्चों यूनिट मैट्रिक्स, ऑपरेशन वही तीनों रखेंगे। अब जैसे मैं पहला ऑपरेशन जो फर्स्ट था उसमें जरा देखो वो क्या लिखा था, मैं यहाँ साइड में लिख देता हूँ, आर आई कैन बी चेंज विद आर जी। तो मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ आर वन इंटरचेंज विद आर टू, आर वन और आर टू को इंटरचेंज करता हूँ तो ये बन जाता है 1 2 3 0 1 2 3 1 1। जो ऑपरेशन यहाँ लगाया वो यहाँ पे भी लगाएंगे, 0 1 0 1 0 0 0 0 1, ये आपका ऑपरेशन लग गया। एक्चुअली मैं इसे यहां से इसलिए किया ताकि यहां कॉर्नर पर वन आ जाए, मुझे इसे बनाना है बच्चों ऐसा 1 0 0। तो अब मैं इसे बनाऊंगा 1 0 0, देखो 1 ये तो 0 बना हुआ है, इस 3 को भी मैं 0 बनाऊंगा। कैसे, 3 माइनस 3 क्या होगा, 0। तो मैं उनमें से लास्ट जो ऑपरेशन हमने पढ़ा था क्या था, वो आर आई कैन बी चेंज बाई आर आई प्लस के आर जे, उसे यूज करूंगा। देखिए ऐसे, आर 3 चेंज बाई आर 3 माइनस 3 आर 1, आर 1 को 3 से मल्टीप्लाई करते हुए आर 3 में से माइनस करूंगा तो 3 माइनस 3 0 होगा। देखो 1 2 3 0 1 2 एज इट इज, 3 माइनस 3
जीरो, वन माइनस सिक्स होगा बच्चों माइनस फाइव, और वन माइनस नाइन होगा माइनस एट। यही ऑपरेशन सेम उधर भी लगाएंगे, जीरो वन जीरो इसमें कोई चेंज नहीं, वन जीरो जीरो में कोई चेंज नहीं, इसमें चेंज है। तो आपने किया आर थ्री माइनस थ्री आर वन, तो जीरो, दिस इज माइनस थ्री एंड दिस इज वन, ये चलता रहेगा। अब बच्चों देखो फर्स्ट कॉलम बन गया वन जीरो जीरो। अब मुझे बनाना, देखिए सेकंड कॉलम को बनाऊंगा मैं यहाँ से ऐसा जीरो वन जीरो, तो मुझे यहाँ ये वन चाहिए, तो वन ऑलरेडी है, नहीं होता तो मैं इसे वन बनाता पहले। अब जरा देखो ये वन है तो मुझे इसे जीरो बनाना और इसे, तो टू माइनस टू जीरो, तो ऑपरेशन बन गया आर वन चेंजेज बाई आर वन माइनस टू आर टू, और माइनस फाइव इसे भी जीरो बनाऊंगा, तो यहाँ फाइव से मल्टीप्लाई करके नीचे ऐड कर दूंगा, इट मीन्स आर थ्री चेंजेज बाई आर थ्री प्लस फाइव आर टू, ये दो ऑपरेशन लगाऊंगा तो ये बन जाएगा जीरो वन जीरो। देखो वन ये एज इट इज, ये किया मैंने आर वन माइनस टू आर टू, इसे टू से मल्टीप्लाई किया तो टू माइनस टू जीरो, टू टू जा फोर, थ्री माइनस फोर माइनस वन, ये एज इट इज रहा, ये जीरो, माइनस फाइव प्लस फाइव बच्चो जीरो, माइनस एट प्लस टेन टू। अब देखो यहां पे आर वन माइनस टू आर टू, तो माइनस टू वन जीरो, आर टू में हमने कोई चेंज नहीं किया, और आर थ्री में हमने चेंज किया आर थ्री प्लस फाइव आर टू, तो ये बन गया फाइव, ये माइनस थ्री और ये वन ए। तो आपका ये कॉलम भी बन गया देखो जीरो वन जीरो। अब मुझे इसे बनाना जीरो जीरो वन, ऐसा बनाना जीरो जीरो वन। देखो तो पहले मैं यहाँ पे वन बना, कैसे बनाऊँ, एक ऑपरेशन और था बीच में आप याद करो तो, कि आर आई कैन बी चेंज बाई के आर जे, के आर आई, तो अगर मैं इसे टू से डिवाइड कर देता हूँ, यानी ऑपरेशन में लगाऊँ आर थ्री चेंजेज बाई हाफ आर थ्री, टू से डिवाइड कर दूं बच्चों, तो क्या बन गया वन जीरो माइनस वन, जीरो वन टू, जीरो जीरो वन, दिस इज माइनस टू वन जीरो, वन जीरो जीरो ये फाइव बाई टू, माइनस थ्री बाई टू ये वन बाई टू, टू से डिवाइड किया आपने थर्ड रो, तो यहां पे भी जरूर करेंगे। अब देखो बच्चों ये हो गया माइनस वन टू, ये वन बन गया यहाँ पे। अब मैं इन्हें दोनों को जीरो बना सकता हूँ इस वन की हेल्प से, डायरेक्ट ऐड करूँ तो माइनस वन प्लस वन जीरो, मीन्स आर वन चेंजेज बाई आर वन प्लस आर थ्री, और टू माइनस टू कितना होगा बच्चों जीरो, तो आर टू चेंजेज बाई आर टू माइनस टू आर थ्री। अब ये ऑपरेशन लगाता हूँ वन जीरो जीरो, ये बन गया जीरो वन जीरो एंड दिस इज जीरो जीरो वन। ये ऑपरेशन यहाँ पे भी लगाने हैं जो इधर लगाए, आर वन प्लस आर थ्री माइनस टू प्लस फाइव बाई टू कितना वन बाई टू, वन माइनस थ्री बाई टू ऐड कर रहे हैं तो वन माइनस थ्री बाई टू कितना माइनस वन बाई टू, जीरो प्लस वन बाई टू कितना बच्चों वन बाई टू, आर टू माइनस टू आर थ्री, इसे टू से मल्टीप्लाई करते हुए इसमें से माइनस करना है, तो टू से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये फाइव बना, और वन माइनस फाइव हो गया माइनस फोर, इसे टू से मल्टीप्लाई किया तो माइनस थ्री हुआ, और इसमें से माइनस किया तो प्लस थ्री हो गया, इसे टू से मल्टीप्लाई किया तो वन बन गया, और जीरो माइनस वन कितना हो गया बच्चों माइनस वन, और ये बन गया फाइव बाई टू एज इट इज, इसमें हमने कोई भी चेंज नहीं किया ए। तो ये बच्चों ये जो आया है ये हो गया ए इनवर्स, तो ए इनवर्स आपका बन जाता है वन बाई टू माइनस वन बाई टू प्लस वन बाई टू
माइनस फोर थ्री माइनस वन फाइव बाई टू माइनस थ्री बाई टू वन बाई टू ये बन गया ए इनवर्स। तो ऐसे आप एलिमेंट्री ऑपरेशन से इनवर्स निकाल सकते हैं। जब कभी भी क्वेश्चन आता है तो 6 मार्क्स में पूछा जाता है बहुत बार, या 4 मार्क्स में भी आ सकता है, तो आप इसे थोड़ा ध्यान से करेंगे और जो डाउट होंगे वो मेरे से पूछेंगे।